हेलो एवरीवन दोस्तों, और एक दो मैसेज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और हम एक फाउंडर हैं, राइट, हम एक प्राउड फाउंडर हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए। देखिए, एक अभी क्या हुआ कि कुछ जनाब हैं, कोई चैनल वाले, आई डोंट नो, वो पता नहीं उनका नाम क्या है, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक सर्वे कर दिया है अपनी मर्जी से। देखिए, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो पहले सारे हमारे लीडर से पहले कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद में ही हमेशा शेयर करना चाहिए। कि एक सर्वे निकाल दिया कि इनको इतने पॉइंट, कुशविंदर ढिल्लन साहब को इतने पॉइंट, जस्सी सर को इतने पॉइंट, नीरज दलवी साहब को इतने पॉइंट, दिनेश कोटियान साहब को इतने पॉइंट, और सबसे ज़्यादा इन्हें जो है पॉइंट मिले हैं, तो इसको लाइक करें। दोस्त, ये एक कंपैरिजन टाइप का किसी ने जो है शेयरिंग करा है, जिसका मैसेज ढिल्लन सर ने भी किया है कि देखिए, यहाँ पर कोई भी फाउंडर हो, जो भी फाउंडर हो, सारे फाउंडर एक जैसे हैं। और इसका मैंने भी वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनाया था, राइट। तो देखिए, जो भी फाउंडर है ना, यहाँ पर सेम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई जैसे कि कोई खास हो गया, कोई विशेष हो गया। सारे फाउंडर मतलब आप ऑन पैसे में $97 दे करके आए हैं, आप इसके अंदर फाउंडर हैं, दैट्स इट। इसके बाद बात खत्म हो जाती है। उसमें कोई बड़ा छोटा लीडर नहीं, आगे पीछे लीडर नहीं, वो मेरा फेवरेट, वो नहीं। तो ये चीजें आप बिल्कुल भी मत करिए, ये इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है। जो असली वैल्यू है हमारी, वो है हमारा फाउंडर होना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी एज का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो किसी भी देश का हो, सब एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वेरी स्पेशल यहां पर है। इसे होता क्या है, देखिए, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कुछ सपोर्टर फिर बन जाते हैं कि हम उसके सपोर्ट में थे, और फिर हम अपने अपने ग्रुप बनाने लगते हैं। और क्या करते हैं कि अपना एक ग्रुप उधर बना लिया, एक ग्रुप इधर बना लिया, ये हमारे टीम है, ये हमारी टीम है। ये MLM के शब्द होते हैं दोस्त, इस चीज को हम इस्तेमाल नहीं करना है। ये बार बार क्लियर किया गया है कई फाउंडरों के साथ में। हम वन, एक बोल सकते हैं, वन फैमिली है, और वो है सिर्फ ऑन पैसिव फैमिली। और इस चीज को आप समझिए, राइट, क्योंकि डिफरेंट माइंड होते हैं, डिफरेंट सोच के लोग होते हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है ना, एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी सही नहीं होती है। तो थोड़े से छोटा मोटे हरकतें लोग कर लेते हैं, जो इस टाइप के वीडियोस बना लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन ऐसी गलती ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से। और ऐसी गलती बार बार कई लोग कर देते हैं, क्योंकि अब हमारे पास फाउंडर नए तो आ नहीं रहे, मतलब नए लोग तो यहाँ जुड़ नहीं रहे, जितने भी हम एक फैमिली हैं, राइट। एक फैमिली में क्या होता है, देखिए, एक फैमिली है, एक एक जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है, किसी के पिता, किसी की मदर है, किसी की सिस्टर है, किसी का जो ब्रदर है, आपका बेटा है, बेटी है, जो भी है, तो हम एक फैमिली होती है घर में। और उसमें ऐसा नहीं होता है कि उसमें आप कंपेयर करते हो कि इनको इतने पॉइंट या इनको इतने पॉइंट, इनको इतने, ऐसा कभी करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऑन पैसिव भी एक परिवार है, इसके अंदर सब लोगों का अपना वैल्यू है। फैमिली में हर किसी का एक वैल्यू होता है, राइट, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, मदर हो, फादर हो, बहन हो, भाई हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, सबका अपना वैल्यू होता है, सबके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो सब लोग हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खरे तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से उसको निभाते हैं। तो वैसे ही ऑन पैसिव का हमारा परिवार है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ खास लीडर है, वो कुछ विशेष है, कुछ उसमें खास बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है। वी आर वन फैमिली, हम एक ही परिवार हैं, राइट। और दूसरी बात यह कि अभी सोशल मीडिया में कई चीजें शेयर कर लेते हैं, मैंने देखा है व्हाट्सएप ग्रुप में कई लोगों ने शेयरिंग की है कि यहां पर आप जो है 2 तारीख को जो वेबिनार होगा, उसके बाद में जो है अगले दिन ये होने वाला है, उसमें ऐसा ऐसा होने वाला है। देखिए, ये कहीं भी जो है ऑफिशियली बैक ऑफिस में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि क्या क्या होने वाला है। उसके लिए जब भी आपको बार बार बोला जाता है कि प्लीज बैक ऑफिस को जाकर के चेक कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन वहीं मौजूद होती है। तो कई लोगों ने जो है अपना ग्रुप में, व्हाट्सएप वगैरह में शेयर किया है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और ये होने वाला है। जो भी होगा ना, इस चीजों को प्लीज मत शेयर किया कीजिए, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगर सारी चीजें होती है तो बहुत अच्छी बात है, हमको आने वाले दिनों में दिख जाएगी। उसके लिए बैक ऑफिस पे जाकर के देखना जरूरी है, बैक ऑफिस से इंफॉर्मेशन ही लेना जरूरी है। मन से कई बार कोई फाउंडर लिख के बना देते हैं और वो वाकई में बहुत अच्छा लिखा होता है, तो उसको हम इसी चीज को शेयर करना शुरू कर देते हैं, तो ठीक है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी गलती बार बार मत दोहराइए, क्योंकि रॉन्ग इंफॉर्मेशन बहुत खराब होती है। और सही इंफॉर्मेशन के लिए आप हमेशा बैक ऑफिस मतलब कि ofounder.net की साइट पे जाइए, वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है।